जय भीम जय मूल निवासी। आज 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, तो आज इस दिन को मनाने के लिए बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हुई है। तो आज हम जानेंगे कि ये सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर महिलाएं क्या संकल्प ले रही है और इस अवसर पर क्या मैसेज दे रही है। तो हम बात करते हैं इन महिलाओं से। जी मैम। जी मैम, जय भीम जय मूल निवासी। जैसा कि आज 3 जनवरी है और माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, उस माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का हम लोग त्याग बलिदान और तपस्या को हम नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि आज की महिलाएं जो जरा सा पानी की छींट अगर पड़ जाती है तो गुस्सा हो जाती हैं, अपना आपा खो बैठती हैं, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले की इतनी सहन शक्ति थी कि उन्होंने जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंका जाता था, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं होती थी, विचलित नहीं होती थी, अपने उद्देश्यों से भटकी नहीं और वह फिर भी वह पढ़ाती रहीं। और जबकि 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, एक साफ़ साड़ी रहती थी और जब वो साड़ी दूसरी साड़ी जो पहनी हुई रहती थी वो गंदी हो जाती थी, तो वो साफ़ साड़ी फिर पहन लेती थी और फिर लौटते समय घर वो गंदी साड़ी पहन करके आती थी, क्योंकि वापस जाते समय सब फिर जो हमारे विरोधी जो नहीं चाहते थे कि महिलाएँ पढ़े लिखें, जैसे कि फूले जी ने जब आंदोलन चलाया तो महिलाओं के महत्व को समझे और माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाए लिखाए, तो पढ़ाने लिखाने के बाद वह भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। और वह जब पुणे में ज्योतिबा फुले जी ने स्कूल खोला तो वो जाने लगी, तो उनके त्याग और बलिदान को हम नहीं भूल सकते और माता सावित्रीबाई फुले का हमारे समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। तो माता सावित्रीबाई ने बहुत कष्ट, आप क्या संकल्प ले रही हैं? हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारे जो आज की वर्तमान की जो महिलाएं हैं उनको भी ये कार्य करना चाहिए, वो उनको भी अंदर सहन शक्ति होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उनका जो उद्देश्य है जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए लगे रहना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, कितना भी बाधाएं आ जाए, लेकिन हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से तन मन धन से लगे रहना चाहिए। हम इस अवसर पे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम यह संकल्प लेते हैं और पूरे देशवासियों से भी ये संदेश देते हैं कि उनको भी अपने घरों की महिलाओं के प्रति ऐसा मतलब कि सोच रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी मैडम। सभी को जय भीम जय मूल निवासी। आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उनका जन्मदिन 1831 में 3 जनवरी को हुआ था और उस टाइम पे देश में अंग्रेजों का शासन था और वो व्यवस्था बहुत महिलाओं के लिए क्या, हमारे पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए बहुत दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने लिखने का हम लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं था। और उस टाइम पे उनकी शादी छोटी सी ही अवस्था में हो गई थी, ज्योतिबा फुले के साथ उनकी जब शादी हुई छोटी थी और उन्होंने वो अपने घर से बिना पढ़ी लिखी ही आई थी और ज्योतिबा फुले के ऊपर उस अंग्रेज शासन का, उनमें महिलाएं जो थीं वो पढ़ी लिखी थीं तो उनका उनके उस पर बहुत असर पड़ा इस बात का। उन्होंने सोचा कि जब इनकी महिलाएं पढ़ सकती हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, तो हमारी महिलाओं में क्या कमी है, क्या हम अपनी महिलाओं को पढ़ा नहीं सकते। बिना पढ़ी लिखी सावित्रीबाई फुले ने, और उन्होंने जब ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया उनको तो उन्होंने पढ़ाई की और खुद पढ़ाई करने के बाद उन्होंने खुद स्कूल खोले और स्कूल में उस टाइम की स्थिति में सिर्फ 6 बालिकाएं थीं जिनको सावित्रीबाई पढ़ाती थीं और वो भी ब्राह्मण समाज की बालिकाएं थीं। और उस टाइम जो ब्राह्मण व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था, वो ही उनके खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे, वो ये सोचते थे अगर हमारी महिलाएं या बेटियां पढ़ गईं तो ये हमारे जो वो पाखंड है, जो हम उनको उस तरह से जो चलाते हैं अपने, जैसे बाप फादर हुआ, उनका बाप हुआ तो बाप के, जब बेटी रही तो बाप के दवास में रही, फिर उसका भाई हो गया तो भाई के में रही, जब शादी हुई तो पति के उसमें चली जाती थी, तो उन महिलाओं को कभी भी आज़ादी का जीवन नहीं मिला। और ये व्यवस्था जब फूले जी ने देखी तो उन पर बहुत असर हुआ, इसीलिए उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और उसमें वो पहली अध्यापिका थी
और उनके साथ एक फातिमा शेख भी थी जो उनके सह उसमें वो भी बच्चियों को पढ़ाती थी। वो पहली महिला थी जिसने शिक्षा के प्रति और जागरूकता दिखाई। और बाद में जो ज्योतिबा फूले ने सत्य समाज शोधक की जो वो रचना की उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अंतिम समय तक सावित्रीबाई समाज के प्रति अपनी जागरूकता दिखाती रहीं। उनकी जागरूकता, उनका त्याग देख के अपने मन में भी ये आता है वो महिला उस स्थिति में इतनी जागरूक थी, इतनी परिस्थितियां खराब थीं, तब उसने ऐसा कार्य किया। तो हम महिलाओं के इस टाइम इस अवसर पर आप क्या संकल्प ले रही हैं? मैं यही संकल्प लेना चाहती हूं, अब हमारे पास सब सुविधाएं हैं तो हम क्यों नहीं त्याग कर सकते, हम क्यों नहीं उनके बराबर नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें काम करना चाहिए। और यही मेरा संकल्प है कि हमें जी जान से समाज के प्रति अपनी सद्भावना रखनी चाहिए, उनके लिए कार्य करना चाहिए। इसी के साथ जय भीम जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैडम सभी को जय भीम जय मूल निवासी। मेरा नाम पूनम उजैनवाल है। जैसा कि आज सावित्री बाई फूले का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को सावित्री बाई फूले की जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज मैं जहां पर खड़ी हूं, आज मैं सावित्री बाई फूले के बदौलत समझ लो शिक्षित होकर यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। उनके जन्म है असल लाइफ में जो है, जो शिक्षक दिवस जो है 3 जनवरी को मनाया जाना चाहिए, और मेरे बच्चे भी 3 जनवरी को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्हों का बलिदान तो हमने देखा है, सुना है हमने और पढ़ा भी है, तो हमें उनके विचारों को आगे फैलाना चाहिए और जितना हो सके हमें आगे जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि हर घर से महिला जो है, बच्चियां जो हैं, वो पढ़ें लिखें और अपने हक अधिकारों के बारे में जानें। क्योंकि जब तक वो अपने हक अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगी, पढ़ेंगी नहीं, तब तक वो माइंड से जो है गुलाम रहेंगी। तो हमें शिक्षा के साथ साथ पाखंडवाद और अंधविश्वास से भी बाहर निकालती है शिक्षा। तो मैं फिर से एक बार सावित्री बाई फूले के जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देती हूं। जय भीम जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैडम सभी दर्शकों को जय भीम जय मूल निवासी। सावित्री बाई फूले के जन्मदिन पे ये हमारा प्रण होना चाहिए कि समाज में जो रिवॉल्यूशनरी वर्क करा उन्होंने, रिवॉल्यूशनरी यानी परिवर्तनवादी, परिवर्तन करते समय बहुत दुख होता है। क्यों? समाज जड़त्व चाहता है, यानी समाज जिस अवस्था में पड़ा है उसी अवस्था में रहना चाहता है। लेकिन परिवर्तनवादी लोगों को इस बात का दुख होता है कि वो लोगों को समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। अच्छा, उस समय यह था कि संपूर्ण भारत में मनुस्मृति का राज था। मनुस्मृति में यह था, लिखा है कि शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, और अगर ये दे दी तो ब्राह्मणों को पीड़ा हो गई। तो जो महान महापुरुष हुए हमारे भारत में, ज्योतिराव फुले, उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी कार्य किया कि अपनी बीवी को पढ़ाया। उस समय तक कोई ब्राह्मण की महिला भी नहीं पढ़ सकती थी, यानी जो भारत में जितनी भी महिला है वो शूद्र है। तो शूद्र किसी भी महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसके साथ साथ जो पति के मौत के बाद जो बहुत ही खराब अवस्था में महिलाओं की जीवन होता था, उसके खिलाफ सावित्री बाई फुले साहब ने बहुत काम किया। यानी विधवाओं को अपने घर रखा, और विधवाओं से एक बच्चा जो पैदा हुआ उसको गोद लिया गया। दूसरा कि वहाँ तब के माहौल में एक पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं था, तो उन्होंने लिखा भी, यानी कविताएं भी लिखी। शूद्रों को बोला कि ये आलस है तुम्हारा, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, उठो और अपने अज्ञान को दूर करो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्या है? अज्ञान है, अज्ञान को दूर करो। तो जैसे बुद्ध ने बोला कि अज्ञान ही दुखों का कारण है, तो फूले साहब ने भी कहा बुद्ध ने कि अज्ञान से ही सारे दुख है। इग्नोरेंस मतलब हमें जानकारी नहीं है। तो हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए पाखंडवादी जो ब्राह्मण है ये हमारे अज्ञानता का बहुत बड़ा फायदा उठाते।
तो उन्होंने रिवॉल्यूशनरी वर्क किया, मतलब विधवा महिलाओं को अपने घर रखा। दूसरा कि उन्होंने कविताएं भी लिखी, और फुले साहब जाने के बाद उन्होंने एक काम किया कि उनके जो कारवा को रोका नहीं, और उन पूरे कारवा को अपने कंधे पे ले लिया और उसको भली भांति चलाया। यानी पहली महिला विद्यार्थी, पहली महिला टीचर, पहली महिला कवियत्री, पहली महिला लेखक और पहली महिला लीडर। यानी एक डायनेमिक पर्सनैलिटी थी सावित्रीबाई फुले की, जो नीडर थी, मतलब हम शेर नहीं समझते हैं, तो नीडर थी, कभी डरी नहीं वो किसी के, मतलब किसी के सामने झुकी नहीं, डरी नहीं है। क्योंकि आज भी महिलाएं डरी रहती है, सहमी रहती है, अपना मुंह नहीं खोलती। पढ़ी लिखी महिलाओं को भी बोल नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि हजारों सालों की गुलामी हम आज भी पढ़े लिखे होके भी ढो रहे हैं। तो ये हमारा प्रतिबद्धता, जब भी हम आंदोलन में काम करते हैं और हम दुखी होते हैं, तो मैं ज़रूर सावित्रीबाई फुले को याद करती हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को याद करती हूँ, कि उनके त्याग के सामने हमारा त्याग बहुत ही कम है। क्योंकि उन्होंने बड़े दुख के साथ ये काम करा और हमें यहाँ तक पहुँचाया। अभी सबको स्कूल में जाने की आज़ादी, इसीलिए हमारे समाज को उसकी अभी महत्ता नहीं पता। लेकिन जब हमारे समाज से दोबारा स्कूल छूट जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये शिक्षा से नहीं होने से हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। तो शूद्रों और अति शूद्रों को पशु से इंसान बनाने की प्रक्रिया ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई ने करी, और हम कृतज्ञ हैं उनके इस कारवा से। और हमारा ये, जब तक हमारे जीवन में शक्ति रहेगी, तो हम उनके कारवा को काम करेंगे और उनकी त्याग को हमेशा ध्यान रखेंगे। जय भीम। जय जी मैडम, इस अवसर पर आप क्या संकल्प ले रही हैं? मेरा तो संकल्प ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ूं, और जो मानसिक गुलामी है उनके दिमाग में, उस गुलामी को हटा दूं। अब मानसिक गुलामी आती कैसे? मानसिक गुलामी आती है भय और अंधविश्वास से। और जितनी भी भारत की महिलाएं भय और अंधविश्वासी है, तो जब भय और अंधविश्वास आता है तो अंधभक्ति पैदा होती है। अगर अंधभक्ति पैदा होती है तो विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है तो उसको ही बोलते हैं मानसिक गुलामी। यानी सही और गलत की पहचान नहीं है, सत्य और असत्य की पहचान नहीं है, और सही और गलत, दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है। जब ये चीज़ हमारे विवेक ख़त्म हो जाता है तो गुलामी आ जाती है। तो इस समाज से, इस महिलाओं के दिमाग से और पुरुषों के दिमाग में अंधविश्वास और पाखंड और गुलामी खत्म करना, ये हमारे आंदोलन का लक्ष्य है। क्यों? ब्राह्मणों से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत हमारे समाज की मानसिक गुलामी से है। अगर हम अपने मानसिक हमारे समाज की मानसिक गुलामी हम खत्म कर पाएंगे, तो ये लोग एक 3-4 साल में ही ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकेंगे। ब्राह्मणवाद और उसका जो पाखंड हमारे दिमाग में, अगर हम ये कामयाब हो गए तो ये सारी शक्तियाँ, ये सारा पाखंड धरा के धरा रह जाएगा। पहले हम आज़ाद होंगे और फिर बुद्ध के आचरण, पंचशील के आचरण से हम नया निर्माण करेंगे। यह हमारा रहेगा प्रण। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतिभा अम्बेडकर, राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ बुकारो से। थोड़ी सी बातें मैं माता सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका बनी, उन्होंने ही महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया। प्रथम स्कूल महिलाओं के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। आज संविधान की देन है कि महिलाएं उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा अधिकार, उन्हें नौकरी करने का भी अधिकार दिया, संविधान ने ही दिया है। आज महिलाओं अगर समाज में पुरुष से कंधे मिलाकर चल रही है, तो वो संविधान के कारण है। हम क्या भारत के संविधान को संदेश घर घर द्वार द्वार पहुंचाना चाहते हैं? इससे सवाल का जवाब समझाना आवश्यक है। संविधान के कारण ही देश चल रहा है। अगर संविधान नहीं होती तो देश अब तक बिखर जाता। इस देश के सभी नागरिकों को आज जो कुछ मिल रहा है, वह संविधान की ही बदौलत है। पूरी
का पूरा संविधान इस देश के नागरिकों के लिए ही है। आज हम महिलाओं को जो सारे अधिकार मिले हैं वो सब संविधान की ही देन है। अगर बाबा साहब ने हमें यह सारे अधिकार ना दिए होते तो हम महिलाओं को आज सर उठाकर चलने का मौका ही ना मिलता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। आज का ये पावन दिवस 3 जनवरी की सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं। आज हम सब इस उत्सव को मना रहे हैं और ये जो पावन पर्व है इस पर मैं डॉक्टर नीलिमा बागड़े सीसी सदस्य बामसे की ओर से एमएनटी न्यूज नेटवर्क को साधुवाद देती हूँ और सभी देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन की मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने जो माता सावित्रीबाई फुले के लिए विचार व्यक्त किए थे उसे मैं कोट करना चाहूंगी। बाबा साहब ने कहा था, सावित्रीबाई फुले ने देश में अपने क्रांतिकारी सामाजिक सुधार के कार्यों से नारी जगत के लिए एक महान आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन एक ऐसी ज्वलंत मशाल है जिसके दिव्य प्रकाश में भारतीय नारी ने सर्वप्रथम समाज में सम्मान से जीना सीखा और दूसरों के लिए मिसाल बनी। सावित्रीबाई के महान कार्यों से भारतीय नारी के पैरों में अनादिकाल से पड़ी परतंत्रता की बेड़ियां खंड खंड हो गई। यह सावित्रीबाई के अदम्य साहस और महान कार्यों का ही सुपरिणाम है कि आज भारतीय नारी स्वतंत्र होकर खुली हवा में सांस लेने में समर्थ हुई है और पुरुषों के समान हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सावित्रीबाई फुले के बारे में यदि हम कहें तो उन्होंने अपने निस्वार्थ त्याग, सामाजिक प्रतिबद्धता, वैचारिक स्पष्टता और सरलता और अपने अथक सार्थक प्रयासों से महिलाओं और शोषित समाज में शिक्षा पाने का अधिकार दिलवाया। सावित्रीबाई फुले ने धार्मिक अंधविश्वास व रूढ़ियों को तोड़कर निर्भयता और बहादुरी से घर घर गली गली घूम घूम कर संपूर्ण स्त्री समाज व शूद्र अछूत समाज के लिए शिक्षा की क्रांति ज्योति जलाई। उनके अनुसार यदि हम देखें तो शिक्षक वह होता है जो सम्यक जीवन जीने की शिक्षा देता है। किसी बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है और वही उसके अपने कार्यों से शिक्षक होने का आभास कराती है। मगर जब बच्चा पाठशाला में प्रवेश करता है तो उसके शिक्षक ही माँ बाप की भूमिका में होते हैं। कोई भी समाज कम से कम 2 लोगों से मिलकर बनता है, स्त्री और पुरुष। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होता है जब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिले। हमारे देश में स्त्री समाज सदियों से धार्मिक षड्यंत्रों के कारण शिक्षा से वंचित रहा। तब धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादी, अस्पृश्यता, अछूतों और खास तौर से सभी वर्गों की महिलाओं पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार चरम पर थे। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों को जन्मते ही मार देना या उनकी भ्रूण हत्या कर देना, विधवा स्त्री के साथ तरह तरह के अनुचित व्यवहार करना, अमेल विवाह करना, बहुपत्नी विवाह,
ये आदि जो कुप्रथाएं थी, इसमें जो सावित्री बाई ने, माता सावित्री बाई ने समाज में जो व्याप्त ये जो प्रथा कुप्रथाएं थी, उसे इस अन्यायी समाज के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ महामना ज्योतिबा फूले के साथ कदम से कदम मिला करके वो खड़ी हुई और उन्होंने एक महान क्रांति को जन्म दिया। तो हम देखें कि माता सावित्रीबाई फूले, जो कि देश की पहली भारतीय स्त्री अध्यापिका बनने का जो ऐतिहासिक गौरव है उन्हें हासिल है। सावित्रीबाई फूले ने केवल शिक्षा ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी अपना जो कार्य है दखल रखा, और इसी तरह जो भारतीय नारी की दशा सुधारने के लिए उन्होंने सन 1852 में महिला मंडल का गठन किया था और भारतीय महिला आंदोलन का उन्होंने प्रथम नेतृत्व किया था। और ये जो बाल विवाह, विधवा स्त्रियों पर किए जा रहे जो जुल्म और अन्याय है, इसके खिलाफ स्त्रियों को और अन्य समाज को उन्होंने लाम बंद करके सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो हम माता सावित्रीबाई फुले के जो प्रथम अध्यापिका और जो उन्होंने 18 स्कूल खोले, तो उस स्कूल में उन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया और उसी की खातिर जो है उसी शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा अज्ञान को एक जो है दुश्मन के रूप में देखा और लोगों को समय समय पर जागृत किया। यदि हम देखें सावित्रीबाई फूले का जो प्रभाव है, यदि हम आकलन करें उनके पूरे जीवन को, तो हम यदि यदि मैं ये कहूं इस मंच से कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, भारत रत्न, उसकी वो असली हकदार है। उनकी जो यदि वो हकदार क्यों है, ये यदि हम आकलन करें तो हम देखते हैं कि सावित्रीबाई आधुनिक भारत की प्रथम साक्षर महिला है। वे देश के प्रथम की प्रथम शिक्षित महिला थी, वे देश की प्रथम शिक्षिका थी, वे देश की प्रथम प्रधान अध्यापिका या प्रिंसिपल थी, वे नारी मुक्ति आंदोलन की प्रथम नायिका थी और सती प्रथा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। तो इस तरह से मैं आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि भारत सरकार के द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाए। यही मेरी उन्हें श्रद्धांजलि है। सभी को पुनः जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस है। वह 3 जनवरी 1831 में पैदा हुई थी और उन्हें क्रांतिकारी ज्योतिबाई सावित्रीबाई फूले के नाम से जाना जाता है। उनके पिता खंडोजी थे, उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। उनका विवाह 1841 में ज्योतिराय फुले से हुआ था। वह भारत में पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल रही और उन्होंने पहला किसान स्कूल भी खोला जिसकी वह संस्थापक रही। उन्होंने अपने इस पूरे दौर में जो उन्होंने सबके लिए स्कूल खोले, बालिकाओं के लिए और मूल निवासियों के लिए, ऐसे उन्होंने 18 स्कूल खोले। और उनके जो पति थे महात्मा ज्योतिराव फुले, वो महाराष्ट्र में और पूरे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उन्हें माना जाता है। उनको महिलाओं और मूल निवासियों को शिक्षित करने के प्रयास के लिए जाना जाता है।
दोनों दंपतियों ने मिलकर भारत में सभी महिलाओं के लिए, मूल निवासियों के लिए बहुत काम किए। दोनों ने मिलकर हमारे समाज की महिलाओं को शिक्षित करने में पूरा योगदान दिया और उन्होंने 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला। पहला स्कूल उन्होंने विजयवाड़ा में खोला। वहां पे लड़कियां पढ़ने आती थी, महिलाएं पढ़ने आती थी, तो उस समय महिलाओं को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। महिलाओं को पढ़ाना वो लोग पाप समझते थे। उस समय में उन्होंने स्कूल खोला और उनके सामने बहुत सारी सामाजिक मुश्किलें आई। वह स्कूल जाती थी तो लोग विरोध करते थे कि तुम लोगों ने स्कूल खोला है और उसमें लड़कियों को पढ़ा रहे हो, तो जो विरोध करते थे, विरोधी जो थे, वो उनपे पत्थर मारते थे, गंदगी फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना पाप था। उन्होंने उस समय में ऐसा स्कूल खोला सबके लिए और तब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी बिरादरी की महिलाएं हैं, हमारे समाज की हैं, दूसरे समाज की हैं। उन्होंने सबके लिए बराबर काम किए और लोगों ने जो वहां विरोध करते थे महिलाओं की शिक्षाओं के लिए, उन्होंने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, उन्हें बहुत परेशान किया, उनके कपड़े गंदे कर दिए, उन पे कीचड़ फेंक दी, गोबर फेंक दिए। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो वो अपने बैग में एक साड़ी रख के लेके जाती थी और जब वह पहुंचती थी स्कूल तो वह अपनी साड़ी को चेंज करके बदल कर तब वो बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसा दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था, फिर भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया और उन्होंने सभी के लिए, जितनी भी महिलाएं थी, जिस भी वर्ग की थी, सबके लिए उन्होंने काम किया। और वह हमें यह प्रेरणा देती हैं कि चाहे हमारे पथ में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, कोई हमें कितना भी नीचे धकेलना क्यों ना चाहे, लेकिन हमें अपने पथ पर चलते रहना चाहिए, हमें अपने पथ से भटकना नहीं चाहिए। वह लोग हमारे लिए एक आइडियल है, आइडियोलॉजी सेट करते हैं कि उस समय में उन्होंने हमारे लिए इतना किया और हम लोग आज पढ़ लिख कर अगर अच्छे मुकाम पे हासिल हो जाएं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए जो उन लोगों ने किया उसके लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काफी काम किया, दोनों दंपति ने मिलकर काम किया। कहा जाता है कि जब तक महिलाओं का भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, सशक्त बनना चाहिए ताकि समाज में हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर दोनों की जो भागीदारी है वो बराबर रहे और हमारे समाज आगे बढ़े। और चौका बर्तन करने से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव है, तब तक असंभव है तब तक वहां की महिलाएं शिक्षित ना हो। तो सभी महिलाएं शिक्षित हों, फूले दंपति से आप लोग सीखें, उन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा काम किया हमारे लिए और शिक्षा ही हमारा सच्चा आभूषण है, तो हमें शिक्षा को ही आगे बढ़ाना है। हमें अपने घर में सभी बच्चों को शिक्षा देनी है, हमें खुद शिक्षित होना है। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम ललिता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं PPID में मेंबर एग्जीक्यूटिव के पद पर हूँ। पहले तो मैं अपने सभी साथियों को आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, तो मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, उनके संघर्षों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने कितना संघर्ष किया और उस संघर्ष के पीछे क्या एक चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। जैसा कि 3 जनवरी
3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई फूले का महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्म हुआ और 9 साल की उम्र में उनका जो विवाह है वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से कर दिया गया। एक 9 साल की उम्र में जैसे में बच्चे का पढ़ने का लिखने का शिक्षा का एक उम्र होती है, उस उम्र में माता सावित्रीबाई फूले की शादी यानी विवाह कर दिया गया। उस समय में जो हमारा मूल निवासी समाज है SC ST OBC माइनॉरिटीज और 50% भाग जिसे आज हम कहते हैं महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। तो उसी एक समय में जो हमारी माता सावित्रीबाई फूले हैं उनका जब विवाह 9 साल में हो गया तो उन्होंने 9 साल की उम्र में बाबा ज्योतिराव फूले ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनको आगे साक्षर कराया। जब उन्होंने पढ़ा लिखा उनको शिक्षा का महत्व पता चला तो उन्होंने आगे हमारे जो एक 50% आज हम भाग जनसंख्या का बोलते हैं हमारी महिलाओं के लिए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ चढ़ के भाग महिलाओं को पढ़ाया। जैसे कि 1848 में माता सावित्रीबाई फूले ने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला, उस स्कूल को खोलने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। जब वो पढ़ने जाती थी तो स्कूल तो लोग उन पे गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो तब भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने उस गोबर कीचड़ उस माहौल से निकल के उस माहौल में आगे बढ़ के उन्होंने उतने उस जो शिक्षा है महिलाओं के लिए उसको बहुत उस पे जोर दिया ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो पढ़ें लिखें, वो आज समाज में क्या चल रहा है उसको बताएं। उस समय उन्होंने इतना संघर्ष करके हमें शिक्षित हमारी शिक्षा के लिए स्कूल्स खोले, टोटल उन्हें 18 स्कूल खोले और उस समय में उन लोगों ने उन पे गोबर कीचड़ सब उन पे फेंका, लेकिन उन्होंने अपने कदम फिर भी पीछे नहीं हटाए और विधवा विवाह जैसी जो कुरीतियाँ हैं विधवा विवाह पे उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया कि एक अगर जैसे कोई महिला है उसका हस्बैंड अगर उसका पति अगर मर जाता है तो पहले वो उसमें पहले जो समय था उसमें क्या होता था कि उसमें महिला अगर कोई विधवा हो गई है तो वो अपने पति के साथ ही जल जाएगी, अपने पति के साथ ही जल के उसको अपना अंतिम समय वो निकालना होगा, या फिर अगर वो विधवा रह गई है तो वो कुछ भी आगे दोबारा विवाह नहीं कर सकती। लेकिन उस विधवा विवाह में माता सावित्रीबाई फूले ने अपना योगदान दिया, उन्होंने विधवा विवाह पे बहुत सराहना की। और जैसे कि छुआछूत की जो बीमारियां हैं या छुआछूत जैसे पहले हमारे जो मूलवासी लोग हैं जो हमारी एक विपरीत विचारधारा उन लोगों को उनके लोगों के सामने से निकलते थे तो उनके आगे मटकी और पीछे झाड़ू बांधे रखते थे ताकि उनकी हमारे जो पैर के कदम है हमारी चाल हम चले तो हमारे साथ ही मिट जाएं। तो ऐसे ही छुआछूत से और उस छुआछूत की बीमारी से माता सावित्रीबाई फूले वो जो एक प्लेग नाम की बीमारी है जिसमें उन्होंने बहुत जो उस दौरान बहुत चली थी उस दौरान उन्होंने बहुत लोगों की उसमें मदद की थी, उनकी सेवा की थी, उस सेवा को करते करते माता सावित्रीबाई फूले का देहांत हुआ था। और भी इनके माता सावित्रीबाई फूले के जो योगदान है बहुत बहुत सारे योगदान हैं और जिनको एक ही दिन में या एक ही उसमें बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले का जो योगदान हम महिलाओं के लिए है वो बहुत सराहनीय है। और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करूंगी कि ये जो हमारा माता सावित्रीबाई फूले की जो जयंती है उस पर सभी को बहुत उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए शिक्षा हमें उपलब्ध कराई है, हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया, हमें शिक्षा के महत्व बताए कि हमें अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें आगे क्या क्या हम कर सकते हैं और जैसे कि आज हम कर भी रहे हैं। मैं एक हमारी महिलाएं हर स्तर पे आगे बढ़ रही हैं, जो एक प्रधानमंत्री एक
अभी राष्ट्रपति भी हैं और एक और प्लेन भी उड़ा रही हैं। जहां जहां तक एक पुरुष है अगर 50% का दर्जा दिया गया है तो वो 50% अगर आज महिला कुछ भी कर पा रही है या कर रही है, वो एक हमारी जो माता सावित्रीबाई फूले हैं उन्होंने जो हमें शिक्षा का पे जोर देकर या हमें शिक्षा का जो अधिकार हमें दिलाया उसका उसमें उनका बहुत ज्यादा योगदान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को जय भीम जय मूल निवासी, जय भीम जय मूल निवासी। आज 3 जनवरी क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले की जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका इस देश में, जिन्होंने भारत की महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, हमें शिक्षित किया और आज हम समाज में मुख्य धारा में महिलाएं काम कर रही हैं। हम ऐसी माता सावित्री बाई फुले को आज के दिन बहुत बहुत नमन अभिनंदन करते हैं कि हमारे जीवन में जो ज्योति शिक्षा की आई है वो माता सावित्री बाई की वजह से आई है। आज 3 जनवरी से हम यह संकल्प लेते हैं कि जो काम 18वीं सदी में माता सावित्री बाई फुले ने विषम परिस्थिति में रह करके महिलाओं को जागृत करने का, उनको शिक्षित करने का, समाज में जो बीड़ा उठाया, हम सब महिलाएं भी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगी और भारत के इतिहास में जो गौरवमय इतिहास महिलाओं का रहा है, आने वाले समय में हम संकल्प लेते हैं कि हम महिलाओं को इसी तरह से उनके हक अधिकार और उनकी जो प्रेरणा है वो देने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे भारत की महिला जो हमारा इतिहास रहा है गौरवमय महिला, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उनको शिक्षित करने का और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का। तो इसी अवसर पर हम आज क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले को बहुत बहुत नमन करते हैं। जय भीम जय मूल निवासी। आज 3 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले का हम जयंती मना रहे हैं। हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं? हम ये क्या आज के समाज में हमारे पास हर तरह की शिक्षा प्राप्त किए हुए महिलाएं हैं जिन्होंने PhD की है और बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन हम सावित्री बाई फुले माता की जयंती क्यों मनाते हैं? उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आज समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उनको माता सावित्री बाई फुले ने जो शिक्षा दी, जो उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो उसी का नतीजा है। इसीलिए हम मैं मूल्यवासी संघ से हूँ, मैं मूल्यवासी संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता सिंह ये बताना चाहती हूँ कि मूल्यवासी संघ ने एक हफ्ते का प्रोग्राम रखा है जो हम लोग जो महिलाओं के बीच में जा करके महिलाओं को जागरूक करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और गांव-गांव और गली-गली मोहल्ले में जा करके सावित्री बाई फुले कौन थी, उन्होंने हमारे लिए क्या किया और हमको अपनी शिक्षा का जो महत्व है वो समझाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम शिक्षा तो लेते ही हैं, आप खुद के लिए लेते हैं, लेकिन हम हमारी शिक्षा का समाज को क्या मतलब फायदा होना चाहिए। हम अपने बेटी बेटियों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पर भेज रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को आज तक ये पता नहीं है कि इसके पीछे किसका संघर्ष है। तो हमने मूल्यवासी संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम एक हफ्ते का प्रोग्राम करेंगे और केवल महिलाओं से मिलेंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे और माता सावित्री बाई फुले ने हमारे लिए जो संघर्ष किया है उसके बारे में बताएंगे और हम अपने बच्चों को ये प्रेरणा देंगे कि वो आगे चलकर अपनी शिक्षा का जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसको समाज को कैसे उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी। अभी जय मूल निवासी। मेरा नाम बलजिंदर कौर है और मैं पंजाब से हूँ, लुधियाने शहर से। सभी साथियों को जय भीम जय मूल निवासी। साथियों, 3 जनवरी सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन और इस जन्मदिन पर मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ। इसके साथ में मैं जो सावित्री बाई फुले जी ने 1848 में पहला स्कूल खोलकर हमें शिक्षा का जो दरवाजा खोला और हम लोग शिक्षित हुए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं एक अध्यापिका हूँ और ज्योति बाई फुले ने जो हमारे लिए शिक्षा सोचित समाज बनाया, तो उसके लिए हमने जो
सावित्री बाई फुले ने 1848 में जो स्कूल खोला था, आज मैं फुले अम्बेडकर हाई स्कूल चला रही हूँ, जिसमें हमारे स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं फ्री शिक्षा देती हूँ, और जो बच्चे आज की डेट में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर लाइन में भी है, इंजीनियरिंग लाइन में है, और अध्यापक लाइन में भी है, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जो हमें सावित्री बाई फुले जी ने हमें शिक्षा का स्कूल खोला, उसी पर हम चलते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में हम एक ऐसा संदेश देंगे कि हर महिलाएं शिक्षित होकर साइड में अपना एक स्कूल खोले, और हमारे जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं उनको उनको एकत्रित करके उनको पढ़ाएं, और शिक्षा में जो हमारे बाबा साहब ने एक मैसेज दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसका नारे को उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। मेरा नाम मिथिलेश भास्कर, मैं दिल्ली से हूँ, और आज सावित्री बाई माता सावित्री बाई का जन्मदिन है, और आज हम उनकी सच्ची जन्म जयंती मनाने के लिए महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। जिस प्रकार से माता सावित्री बाई ने घर घर जाकर शिक्षा की ज्योति जलाई, उन्होंने इतनी संघर्ष किया, इतनी प्रताड़ना सही, उन सबको याद करते हुए हमें भी ये प्रण लेना है कि हमें चाहे कितनी भी परेशानी हो और चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमें ये मुहिम लगातार जारी रखनी है। अपनी माताओं, बहनों को और बच्चियों को घर घर जाकर ये माता सावित्री बाई का जो संघर्ष है वो बताना है, और जागरूक करना है कि हमें शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। उनका एक ये सिद्धांत था कि शिक्षा बिना मति गई, तो हमें मति नहीं जाने देनी, बुद्धिहीन नहीं बनना है, ज्योति जगानी है शिक्षा की, और जब शिक्षा आती है तो अपने बुद्धि के कपाट खुलते हैं। हमें महिलाओं को ये बताना है कि हमारी जो सीमा है सिर्फ चौखट के दरवाजे के अंदर नहीं है, जब तक हम दरवाजे से बाहर नहीं निकलेंगे, बाबा साहब कहा करते थे जब 50% की आबादी महिलाओं की है तो हमें उस बराबरी के आंकड़े को पार करना नहीं है, तो कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर अपना साथ सहयोग देना है, वो चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे बौद्धिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। हमारी ये मुहिम है कि BS4 के तहत हम हर घर जाएंगे, हर महिला, बच्चे और बच्चियों तक जाएंगे, और ये संदेश देना है कि सच में अगर हम उनकी माता बाई सावित्री बाई फुले को याद करना चाहते हैं, उनकी जन्म जयंती मनाना चाहते हैं, तो उनके मिशन को आगे ले जाना है, शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है, महिलाओं को, बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को, सबको हमें शिक्षा का अलख जगाते हुए बुद्धि के कपाट खोलने हैं, और बुद्धि के कपाट खोल करके हमें अपना संघर्ष को याद करना है कि हमारा क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक जाना है, हमें ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, और तभी हमें सच्ची उनकी जयंती मनाने का अधिकार भी है, और सही मायने में जयंती मना सकते हैं। आज मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगी कि सभी को हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, शिक्षा का जो मुहिम है वो लेके चलना है, और हर महिला को अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके, अपना ऋण समझ करके उसे पूरा करने के लिए, कुछ ऋण चुकता करने के लिए हमें ये मुहिम आगे तक ले जानी है, तभी हम माता सावित्री बाई को सच्ची जन्म जयंती मना सकते हैं, अन्यथा दिखावा और ड्रामा तो हम कर ही रहे हैं। धन्यवाद MNTV चैनल का। जय भीम, जय महाराज। संगीता मूल निवासी हिसार से।
माता सावित्रीबाई फुले का नमन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि माता सावित्रीबाई फुले ने हम महिलाओं के लिए बहुत से जो है ऐसे काम किए, उन्होंने समाज में इतने कष्ट सहे, हम महिलाओं के लिए कीचड़ गोबर पत्थर ये सब जो है उन्होंने सहा, लेकिन इन सब बाधाओं को पार करते हुए हम महिलाओं को वो हक और अधिकार दिलाए जो शायद हम प्राप्त नहीं कर पाते थे हमारे महापुरुषों के सहयोग के बिना। और हम माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस पर संकल्प करते हैं कि हम, जैसे कि अब मैं जागरूक हो चुकी हूँ महापुरुषों की विचारधाराओं को अपनाते हुए, तो ठीक ऐसे ही हमारी और भी जो महिला साथी हैं वो भी महापुरुषों की विचारधाराओं से परिचित हों। माता सावित्रीबाई फुले जैसे प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, उन्होंने बहुत से अथक योगदान दिए जिसके कारण कि हम यहाँ पर जो है आज उपस्थित हो पाए हैं। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा, हम महिलाएं यही संकल्प लेते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले के जो भी उनके हम महिलाओं के लिए जो भी प्रयास रहे, जो भी बलिदान रहे, उनको अपनाते हुए हम और भी हमारी महिलाओं को सशक्त और ज्यादा विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। संकल्प यही है जी कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद भी जागरूक होंगे और हमारी जो साथी महिला बहनें हैं उनको भी प्रेरित और जागरूक करने का जो है संकल्प लेते हैं। महिलाओं को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो समाज में जितनी भी कुरीतियां अंधविश्वास पाखंड हैं उनको ठोकर मारते हुए आगे बढ़े, न कि उनके साथ सम्मिलित हो बल्कि उनसे परे रहकर अपने व्यक्तित्व को निखारने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें और महिलाओं को इन कुरीतियों पाखंडों से दूर करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रयत्नशील हो। नीलिमा कोहली, जब हमारी वास्तविक माता सामाजिक माता सावित्री बाई फूले, हमारे जितनी भी महिलाएं हैं विशेषकर मूल निवासी महिलाएं हैं, हम लोगों के लिए शिक्षा देने का काम, सामाजिक उत्थान के लिए जो पहल उन्होंने की उसकी वजह से हम उनको अपनी वास्तविक माता कह सकते हैं कि हमारी माता केवल हमें जन्म देती है लेकिन अब उनके पास इससे कोई ऐसा कोई अधिकार नहीं दे सकती जो सामाजिक रूप से हमारा उत्थान कर सके। लेकिन माता ने जो अपना झेला, सामाजिक विरोध झेला और सामाजिक विरोध झेल के जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और एक महिलाओं के लिए रास्ता खोला, वो पहली शुरुआत थी, पहली हमारे दरवाजा कह सकते हैं बाहर निकलने का इस व्यवस्था से। तो आज हम महिलाओं को इसका उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। और रही जहां तक इनके समाज का जन्मदिन जयंती को मनाने की बात, मुझे नहीं लगता उनकी जयंती जिस रूप में हम महिलाओं को मनानी चाहिए हम उस रूप में उसको मनाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम कृतघ्न हैं उनके लिए। क्योंकि और हमें अब जो है उनको हमें संकल्प लेना चाहिए कि माता ने जिस तरह हमारे कुछ चीजों में हमारे रास्ते खोले, लेकिन अभी भी महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी है नहीं, बहुत सारी चीजों में अभी भी हमारे जो है लो श्रृंखलाएं अभी भी बंदी हुई हैं। तो माता का उदाहरण लेके और माता के से जीवन से प्रेरित रह के हमें और भी अभी प्रयास करने हैं अपने, हालांकि माता जितनी ताकत तो शायद हम में ना हो लेकिन उनके उदाहरण उनके हम उनके बच्चे हैं तो हमको कुछ ना कुछ जिस अपने अपने स्तर से जो भी संभव हो हमें इन बेड़ियों को तोड़ने का, अपने अस्तित्व को और बराबरी के लिए हम कहते तो हैं कि जो है जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, लेकिन ये केवल मौखिक है, व्यवहारिक कभी भी नहीं है। और हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि इसकी मूल जिम्मेदार महिलाएं ही हैं, इन बेड़ियों को इन लोक श्रृंखलाओं को बरकरार रखने में कहीं ना कहीं महिलाओं का ही योगदान है। और ये जो है महिलाएं, पुरुष जितना जिम्मेदार उससे ज्यादा हम महिलाओं को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो हमें माता का जो है लेना चाहिए, उदाहरण लेके चलना चाहिए और चलते भी हैं। थैंक यू सर। हम यही शंका ले रहे हैं कि अभी भी जो बेड़ियां, अभी भी हमारे मानसिक जो श्रृंखलाएं अभी बंधी हुई हैं, अभी भी हम मानसिक जो गुलामी की तरफ बढ़ी हैं और अभी भी जो धार्मिक रूप से हम जो भले ही हमने अभी छोड़ दिया है पूजा पाठ करना, भले ही हम अभी देवी देवता को नहीं मानते कहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अभी भी वहम भरम भरा पा है। तो हम यही संकल्प लेते हैं कि एक तो हम पूरी तरीके से अपने मानसिक रूप से अपने आप को आजाद करने का प्रयास करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि वो लोग अभी भी इन बेड़ियों में बंद है उनको भी लगातार प्रेरित करते रहेंगे। थैंक यू सर। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान सभी को। मेरा नाम जागृति किशोर है और पेशे से मैं एक एडवोकेट हूँ और मूल्यवासी संघ में एक जनरल सेक्रेटरी के पद पर मैं कार्यरत हूँ। सभी को मेरी तरफ से माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जब सावित्रीबाई फुले की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आज से 150 साल पहले एक स्त्री ने जो समाज के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए, हम उस बारे में जो है बात करते हैं कि 150 साल पहले एक महिला हुई जिन्होंने खुद शिक्षा ली, अपने पति के साथ मिलकर महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर जो है शिक्षा ग्रहण की और
उसके बाद उन्हें शिक्षा का महत्व इतना समझ आया कि उन्होंने समाज के सभी सभी जो है समाज के सभी बच्चों को सभी महिलाओं को जरूरी समझा कि शिक्षा कितना बड़ा हथियार है और उनके पीछे रहने का कारण भी जो है शिक्षा है। इसके इस शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जो है अपने जीवन में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है 18 स्कूल जो है खोले पुणे में। और जब उन्होंने पहला स्कूल जो शुरू किया उसमें सिर्फ 9 छात्राएं थी, क्योंकि वो उस समय की बात हम कर रहे हैं। आज के समय में अगर हम देखा जाए तो ये बात बहुत छोटी लगती है स्कूल खोलना, लेकिन जब अगर हम इस चीज को 150 साल पहले लेकर जाते हैं तब हम देखते हैं कि हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब स्त्री को सिर्फ और सिर्फ एक सामान की तरह समझा जाता था कि घर में जो है उनको दहलीज के बाहर निकलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। और शोषित वंचितों की बात करें तो उनके साथ तो जो है मानव जैसा भी अधिक वो जो है व्यवहार नहीं होता था, उन्हें तो जानवर से भी बदतर जो है समझा जाता था कि जानवर भी उस एरिया में जा सकता था जहां पर, लेकिन शूद्र और अतिशूद्र नहीं जा सकते थे। तो हम उस टाइम की उस समय की अगर कल्पना करें तो शिक्षा जो है बहुत एक बड़ा हथियार जो है माता सावित्रीबाई फुले को लगा कि इनके पीछे रहने का जो कारण है वो शिक्षा है। तो शिक्षा को उन्होंने बहुत जो प्राथमिकता दी अपने जीवन में और समाज की सभी महिलाओं को जो है आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा को उन्होंने प्राथमिकता देते हुए आगे रखा। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में जब हम बात करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जो हमारी पहली शिक्षा शिक्षिका रही हैं और उस संदर्भ में जब हम बात करते हैं तब हम उनको सिर्फ शिक्षा की देवी या शिक्षा पहली शिक्षिका के रूप में नहीं देखना चाहिए। इतिहासकारों ने उनका जो इतिहास है उनका जो संदर्भ है सिर्फ शिक्षा तक सीमित किया गया है। और वो क्यों किया गया है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ साथ समाज को कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास से भी बाहर आने के लिए प्रेरणा दी, उसके लिए बहुत काम किया। इसी कदम के चलते जो ब्राह्मणवादी और पितृसत्तात्मक जो समाज है उन्होंने उनके इस क्रांतिकारी कदम को जो है शिक्षा तक सीमित करके रख दिया एक षड्यंत्र के तहत। षड्यंत्र इसलिए कहेंगे, अगर शिक्षा की बात होती तो आज उन्हें शिक्षा के लिए नाम दिया जाता, लेकिन उनके इतिहास को जो है छुपाया गया। महिलाओं से, इस भारत के मूल निवासियों से, शूद्र अतिशूद्रों से जो है एक मॉडर्न इतिहासकारों ने उनके इतिहास को नहीं जगाया। समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने, कुछ लोगों ने ही जो है उस इतिहास को उखाड़ कर खोज खोज के निकाला। उन्हें निकालने की जरूरत पड़ी, लेकिन इतिहासकारों ने ये काम जो है ईमानदारी से नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, माता सावित्रीबाई ने स्कूल खोला ये बात जो है प्रचार को भी की, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने जो और काम किए इस बात का प्रचार नहीं किया गया। उसमें से एक बहुत बड़ा काम जो है माता सावित्रीबाई फुले ने किया, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला। अब बाल हत्या प्रतिबंधक गृह होता है जिसमें जो महिलाएं, जो विधवा महिलाएं होती थी, जब उनके साथ जो उनके पितृसत्तात्मक समाज के रहने वाले परिवार के लोग उनके साथ रेप जैसा जो घिनौना अपराध करते थे उससे वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी और उनके बच्चे, जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपने गर्भ में ही नवजात शिशुओं को मार दिया करती थी। तब माता ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जो है इसको वो ग्रह खोला, बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह। उन्होंने उनसे गुजारिश की कि कृपया आप शिशुओं को ना मारें और आप इस ग्रह में आकर बच्चों को जन्म दें, उनकी दीक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। वो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम जो समाज की कुरूतियों से भरा हुआ था वो माता सावित्रीबाई फुले ने उसके लिए गहरा कदम उठाया। दूसरा उन्होंने करा शिशु संगोपन ग्रह, जिसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें जो बच्चे आते थे वो ब्राह्मणवादी जो परिवारों से ही आते थे, सवर्ण जो ये अपने आप को सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं उन्हीं परिवारों के बच्चे थे। वो उनको नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि वो उन्हीं के घर की विधवाओं के जो है बच्चे थे, उनके कुकर्मों की निशानियां थी। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले इस जो कदम को बहुत अच्छे से उठाया। उन्होंने वो जगह जगह जाकर पोस्टर लगाती थी
कि आप जिस बच्चे की परवरिश ना कर सके हो वो हमारे जो है शिशु संगोपन गृह में लाए और उनकी दीक्षा और शिक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम आज से 200 लगभग 200 साल पहले अगर देखें तो आज के संदर्भ में भी इतनी बड़ी कोई महिला नहीं हुई है जो इतना क्रांतिकारी कदम उठा सके। और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे की उन्होंने जब जान बचाई, उसकी दीक्षा शिक्षा की जो है जिम्मेदारी ली और उसको उन्होंने गोद लिया, जिसका उनका नाम था यशवंत। उन्होंने पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया था। और तीसरा जो उन्होंने काम किया था, उस जमाने में महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग जो उन्होंने जो बहुत बड़ा कदम समझा, उसके लिए उन्होंने पहला महिला संघ जो खोला था वो था महिला सेवा मंडल। महिला सेवा मंडल में जो महिलाएं जो अपनी किसी कुरोतिया के कारण जो समाज से बहिष्कृत महिलाएं होती थी वो उस महिला सेवा मंडल का जो है भाग बनती थी और उनसे हर 15 दिन में जो है माता सावित्रीबाई फुले उनके पास जाकर उनके विचार और उनका ख्याल जो है रखती थी, उनसे जो है उनकी जो तकलीफें होती थी उन्हें सुना जाता था और उनका निवारण जो है माता सावित्रीबाई फुले और उनके जो साथी हुआ करते थे वो करते थे। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो ऐसा कोई संगठन या संघ नहीं है जो महिलाओं की महिलाओं के लिए स्पेशली जो संघ बनाया गया जो उनको आर्थिक रूप से महिलाओं के लिए मजबूती का काम करे। सामाजिक न्याय और महिला श्रम और महिला न्याय के जो मूल्यांकन है बहुत ही अच्छी तरह से किया था। माता सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें तो उन्होंने उस जमाने में सामाजिक न्याय की एक जो नींव रखी थी, सामाजिक न्याय जो महिलाओं के श्रम को जो कम आंका जाता था जो आज भी हम देखते हैं, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से समाज में जो है समझाने का काम किया था। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को, बच्चों को, शूद्रों अति शूद्रों जो उस समय की श्रेणी में आते थे उनके लिए बहुत अच्छे से जो है कारगर साबित जो है उन्होंने कदम उठाए थे और जिन्हें क्रांतिकारी कदम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसके लिए माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत उन्होंने प्रतिरोध तो सहा ही था और उन्होंने बहुत माता सावित्रीबाई फुले एक जो है कवि जिनको बोले कविताएं भी लिखती थी, जिनकी एक उसमें कविता बहुत जो कर्मकांड से निकालने के लिए बहुत लोगों को बहुत काम आती थी, उसमें एक कविता है मन्नत में वो लिखती हैं कि पत्थर को सिंदूर लगाकर बना दिया देवता, असल में वो पत्थर ही था। तो अगर आज के संदर्भ में हम बात करें कि अगर माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को छुपाने का जो काम है वो इसीलिए है कि माता सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा में ही नहीं कर्मकांड, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए और शिक्षा के रास्ते पे चलने के लिए लोगों को जागृत किया था। इसीलिए उनके इतिहास को हमारे लोगों से, मूलनिवासियों से जो है छुपाया गया ताकि वो उस इतिहास को अगर जान गए तो वो जो है शिक्षा के रास्ते पर भलीभांति चलेंगे और उनका जो ब्राह्मणवादी लोगों का जो षड्यंत्र है वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा इसीलिए। लेकिन अगर हम अपने दुश्मन से जो है जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका यही है कि हमें जो अपने महापुरुषों के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए और उनके ही जो कदम पे चलना चाहिए। यही संदेश है कि हमें अपने जो महापुरुष हैं, जो महिलाएं, जो नायिकाएं रही हैं, उन्हें हमें ये पढ़ना चाहिए कि हमें जो दूसरों ब्राह्मणवादी लोगों का दिया हुआ इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, जो हमारे जो समाज के बुद्धिजीवियों ने जो उन पर रिसर्च करके जो कविताएं जो ट्रांसलेशन किए हैं उन्हें पढ़ें और उनके जो महत्वपूर्ण कदम है उनको अपनाना चाहिए, ना कि जो प्रोपेगेंडा से जो हमारे पास आता है हमारे समाज के लिए उस पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का स्वरूप भी बदल दिया है, शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है। तो लोगों को लगता है कि शिक्षा जो है एक व्यवसाय है, एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए पर्टिकुलर टाइप की शिक्षा दी जाती है जिसके लिए बहुत सारा जो है आपके आर्थिक रूप से आपको कमजोर बनाने का जो है काम ये करते हैं, ये प्लान के तहत होता है। और अगर हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ना है तो सामाजिक न्याय में अपना श्रम भी देना पड़ेगा और सामाजिक भागीदारी जो जागरूकता के लिए वो भी जो है निभानी पड़ेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय मूलनिवासी। जय भीम, जय मूलनिवासी। मेरा नाम कोमल है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज सावित्री बाई फुले जी की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में मैं चार लाइन कहना चाहूंगी इनके जीवन के बारे में। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडोजी निवेसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था और यह एक महाराष्ट्रीयन कवियत्री और समाज सुधारक और शिक्षिका थी। इन्होंने अपने
पति ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले को भारत में नारीवादी आंदोलन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह भारत की पहली अध्यापिका बनी 1848 में। इन्होंने लोगों के लिए लिंग और जाति के आधार पर पूर्वाग्रह और अन्यायपूर्ण व्यवहार को खत्म करने का काम किया। और ज्योतिबा राव फुले जी को भारत में ज्ञान की देवी के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू। जय भीम जय मूल निवासी। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के माता के जन्म दिवस पर सभी हमारे मूल निवासी भाई बहनों को मैं पहले हार्दिक बधाई देती हूँ। MNT को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर उनके विचारों का स्मरण करना, उनके विचारों का जागरण करना, इसके लिए मुझे ये मौका उन्होंने प्राप्त करवा दिया है। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सावित्री माई के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने जो हमारे हमको एक विरासत जो दी है विचारों की, व्यवहार की, कार्य की, उसके ऊपर बात करना, इससे बड़ा कोई हर्ष मेरे जैसे महिला कार्यकर्ता के लिए नहीं हो सकता। तो मैं MNT को भी धन्यवाद देती हूँ। और सावित्रीबाई फुले को विनम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्व भाव से उनको मैं नमन करती हूँ। और हमारे लिए जो एक ऐसा जीवन उन्होंने मतलब एक दिया है, सुखकारी ऐसा जीवन उन्होंने हमको दिया है, उसके लिए मैं उनको अभिवादन करती हूँ। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ये केवल एक नाम नहीं है, इस नाम का मतलब क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले मतलब क्या है? तो महिलाओं के अस्तित्व का आगाज सावित्रीबाई फुले है। महिलाओं के सामाजिक जीवन की शुरुआत मतलब सावित्रीबाई फुले है। और जिस दिन खुद सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा लेने के लिए घर से बाहर कदम निकाला था, वो घड़ी जो है वो हमारे सामाजिक भारत के महिलाओं के सामाजिक जीवन की शुरुआत उस घड़ी से हो गई है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनका जो एक दृष्टिकोण था उसकी वजह से हम लोग आज इस जीवन में मतलब आए हुए हैं। ये जीवन हमको उन्हीं की बदौलत प्राप्त हुआ है। तो सावित्रीबाई फुले ये हमारी पहली विद्यार्थिनी है, अध्यापिका है, मुख्याध्यापिका है, क्योंकि 1 जनवरी 1848 को जो स्कूल पहली महिलाओं की हुई थी उसमें शिक्षा देने का काम तो सावित्रीबाई ने किया, लेकिन उसके बाद वो उस स्कूल की मुख्याध्यापिका के तौर पर उन्होंने काम किया है। उसके साथ में एक बड़ी कवियत्री वो थी, शिक्षा तज्ञ थी, शिक्षाविद उनको कहा गया है, एक समाज शास्त्री भी थी, क्योंकि सामाजिक उस वक्त के सामाजिक जो भी प्रश्न थे उसके ऊपर आपने लेखन और कविताओं के माध्यम से उन्होंने गहरा चिंतन समाज के सामने लिखा है। और उसके साथ में एक स्त्रीवादी लेखिका के तौर पर भी सावित्रीबाई फुले का काम हमको देखना पड़ता है। और जो शिक्षा उन्होंने ली है उस शिक्षा के बदौलत ये जो अन्यायकारी व्यवस्था यहाँ पे थी, मतलब 1800-1900 सेंचुरी की हम लोग बात जब करते हैं तभी यहाँ पे मनुस्मृति का जो एक विधान था वो पूरी तरीके से अमल में था। और महाराष्ट्र में पूना का जो इलाका है उसमें पेशवाई और जो भी एक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का जो एक प्रभाव था वो बहुत मतलब तीव्र गहरा प्रभाव उस वक्त समाज पर था। उसी कठिन परिस्थिति में, उस विरोध के वातावरण में सनातनों के गढ़ किले जिसे कहा गया है पुणे को, उसमें
इस व्यवस्था के खिलाफ काम करना, आवाज उठाना और एक सक्षम नेतृत्व आगे बढ़ाना सत्यशोधक समाज के माध्यम से, ये काम सावित्रीबाई फुले ने किया है। तो सभी जीवन के जो पहलू थे, उस सभी जीवन के पहलू में जो भी समस्या आती है उसके ऊपर सावित्रीबाई फुले ने काम करते हुए हम देखते हैं। मतलब शिक्षा, ये शिक्षा तो अहम उस वक्त थी, क्योंकि उनके जो कविता संग्रह है जैसे कि काव्य फुले या सुबोध बावन कशी सुबोध रत्नाकर नाम के, ये दो महत्वपूर्ण जो कविता संग्रह है उनके, उसमें उन्होंने ये सामाजिक परिस्थिति के ऊपर गहरा चिंतन उसमें किया है। और शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, ये उनके ही वाक्य, मतलब उनका ही, उनके ही शब्द से हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ये मराठी में उन्होंने लिखा है, शूद्रांना सांगण्याजोगा आहे शिक्षण मार्ग हा, शूद्रांना सांगण्याजोगा आहे शिक्षण मार्ग हा, शिक्षणाने येते मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा। इसका मतलब यह है कि शिक्षा का मतलब क्या है, क्यों हमको शिक्षा लेनी चाहिए, और खासकर उन्होंने शूद्र ये शब्द प्रयोग किया है, मतलब यहाँ के मूल निवासी जो हमारे भाई बहन है उनके बारे में उन्होंने कहा है कि शिक्षण मतलब शिक्षा लेने के बाद हमको हमारे में जो एक या मनुष्य मतलब जो मनुष्यत्व के लिए जो पहल करनी चाहिए वो शिक्षा की वजह से हमारी हो जाती है, ऐसी बात सावित्रीबाई फुले ने उनके कविता के माध्यम से की है। दूसरी एक बहुत अहम आज के रेलेवेंस में भी वो बहुत अहम ऐसी उनकी जो रचना है वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। शूद्र या शब्दाचा नेटिव हा अर्थ, ये भी मराठी में है, शूद्र या शब्दाचा नेटिव हा अर्थ, जेथे जे समर्थ शूद्रा लावी, जित झाले शूद्र इराणी भटाचे, जित झाले शूद्र इराणी भटाचे, भट इंग्रजांचे उग्र शूद्र, भट इंग्रजांचे उग्र शूद्र। इसका मतलब क्या है, ये भी शूद्र का अर्थ उन्होंने क्या कहा है मतलब लिखा है, तो उनको वो नेटिव कहते हैं। नेटिव क्या का मतलब क्या है, नेटिव इंग्लिश वर्ड है लेकिन नेटिव का अर्थ है यहाँ के मूल निवासी, और शूद्र अति शूद्र और स्त्री जो है उसको वो नेटिव इस आइडेंटिटी के तहत उन्होंने पहचाना है। और वो कहते हैं कि ये नेटिव जो लोग थे वो बहुत समर्थशाली थे मतलब सक्षम थे, लेकिन ईरानी भट्टा, ईरानी भट्ट मतलब क्या कि विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने इन पर आक्रमण किया है, उनको कपट से उनका पराजय किया है और फिर उनको गुलाम बनाया है, और शूद्र वर्ण के जो भी वो उनके कर्म मतलब कार्य थे या व्यवसाय थे वो करने के लिए उनको मजबूर कर दिया, ऐसी इस कविता में या रचना में सावित्रीबाई फुले ने लिखा है। मतलब ये विजन जो है, ये विजन उनका जो था वो विजन को समझना बहुत जरूरी है। और आज की शिक्षा मतलब आज की शिक्षा का जो भी एक एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग जब देखते हैं तो शिक्षण का मतलब क्या है, क्यों शिक्षा लेनी है, इसके बारे में ये जो सावित्रीबाई फुले ने कहा है वो बहुत अहम या इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मनुष्यत्व बनाने के लिए, मनुष्य का उत्थान के लिए या मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा का मतलब है, ये उन्होंने कहा है। और जैसे ज्योतिबा फुले इन्होंने भी कहा है कि जो सही और गलत की पहचान करने की क्षमता जो उत्पन्न करता है वो उसे शिक्षण कहा गया है, और जो झूठ है, जो सही नहीं है, वो उस झूठ को नकारने की क्षमता जो पैदा करता है उसे शिक्षण कहा गया है। तो सावित्रीबाई के बारे में ऐसा है, मतलब बहुत उसके ऊपर बोलने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो एक महत्वपूर्ण एक संदेश जो है वो हमने मतलब लेना चाहिए। और एक बात मैं हमारे सभी मूल निवासी भाई बहनों को या विशेषता महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको जो शिक्षा दी है वो केवल आत्म उद्धार के लिए, खुद का प्रोग्रेस करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि शिक्षा लेके उस शिक्षा का उपयोग
खुद का प्रयोग मतलब खुद का विकास के लिए तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में समाज ऋण जो है हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोग इस यहाँ पे है उसका मतलब ये कारण उसका सब हमारे महामानव का कार्य है, और जो सामाजिक जो भी एक आंदोलन चला उसके बदौलत हमको ये मौका शिक्षा का भी मिला है, तो इस शिक्षा का उपयोग या प्रयोग हमने हमारे समाज के जो प्रश्न हैं उसके निराकरण के लिए हमने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। समाज का जो ऋण है उस समाज ऋण से मुक्त होने के लिए हमारा जीवन यापन करना चाहिए। ये संदेश क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर मैं मेरे मूल निवासी बहनों को देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे लिए जो गोबर जो पत्थर अपने शरीर पर झेले हैं वो हर वक्त हर दिन हर क्षण हमको उसको उसको याद करना चाहिए, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और इतना कुछ सहन करके हमारे लिए उन्होंने शिक्षा उपलब्ध करवाई है, तो उस शिक्षा का सही उपयोग करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा मतलब दायित्व बनता है। इसके प्रति हमने बहुत जागृत होना जागृत रहना जरूरी है। ऐसा एक मतलब सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं मेरा खुद का भी आत्मचिंतन करते हुए मैं सभी हमारे बहनों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा जो हमको मिली है उस शिक्षा का जो एक उपयोग हमने किस तरीके से करना चाहिए, वो जो हमारे महामानवों ने हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने करना चाहिए। इतने चंद शब्दों को के साथ मैं पुनः एक सावित्रीबाई फुले को कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करती हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करती हूँ। जय भीम जय मूलनिवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।